तो प्रदेश में सोमवार को 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिलने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 847 पहुंच चुकी है। ऐसे में अब जैसे जैसे नए मरीज सामने आ रहे हैं वैसे वैसे चिकित्सा विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। राजधानी में सोमवार शाम तक 20 नए पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद यह संख्या 361 तक पहुंच गई है। ताज़ा पॉजिटिव मरीजों में वे मरीज सामने आ रहे हैं जिन्हें पहले संदिग्ध मानकर क्वारंटाइन किया गया था। ऐसे पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर से अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और अब राजस्थान में 847 कोरोना के पॉजिटिव मरीज वो सामने आ चुके हैं, जिसमें राजधानी जयपुर में सबसे अधिक कोरोना के पॉजिटिव मरीज है और अब राजधानी में 361 कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। आज 20 कोरोना के पॉजिटिव सामने आए, जिसमें अधिकतर जो कोरोना के पॉजिटिव वो संदिग्ध मरीज सामने आए जिनको पहले क्वारंटाइन किया गया था। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर मोती डूंगरी रोड से जो संदिग्ध मरीज मिले थे उनको यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था और यहाँ पर 6 कोरोना के जो पॉजिटिव है वो सामने आए हैं। ऐसे में लगातार प्रदेश में जो कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह राजधानी जयपुर में जो एक हॉटस्पॉट इनकी जो एरिया है वो बन चुका है कोरोना का। लेकिन हालांकि चिकित्सा विभाग ने सतर्कता दिखाते हुए लोगों को क्वारंटाइन किया और डोर टू डोर सैंपल लेकर जो संदिग्ध मरीज और पॉजिटिव मरीजों की है वो पुष्टि की जा रही है। हालांकि जिस तरह से सैंपलिंग व्यवस्था की उसी में अधिकतर जो कोरोना के पॉजिटिव है वो मरीज सामने आ रहे हैं और जो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनका बेहतरीन इलाज किया जाए। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ मिलो के 16।